दोस्तों फाइटर मूवी के बुरे हाल चल रहे हैं, या एक बार के लिए कहें कि मूवी फ्लॉप हो गई है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का इसका बजट है उस हिसाब से इसको कलेक्शन नहीं मिल पाए। मतलब मूवी में कोई कमी नहीं है, सिद्धार्थ आनंद ने जिस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे उन्होंने इम्प्रूव किया। लाइक हमने पठान के टाइम पर VFX में थोड़ी कमी देखने को मिली थी, लेकिन फाइटर के टाइम पे भाई एरियल शॉट्स मूवी में VFX एंड विजुअल इफेक्ट्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसे बिल्कुल A1 तरीके से सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। मूवी में भाई हमें ऋतिक रोशन मेन लीड पर दिखे, जो बिल्कुल भी भाई ऐसी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं चुनते हैं जिससे कि वो खराब हो। इनके प्रीवियस एक्शन एंड प्रीवियस कंटेंट से सीधा पता चलता है कि ये जब भी आते हैं दमदार मूवी ही लेके आते हैं, और फाइटर भी दमदार मूवी थी, सब कुछ था, लव एंगल भी ठीक है एक हिसाब से था, पैट्रियोटिज्म का बेस्ट कनेक्शन था भाई, रियल इंसिडेंट का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया गया, वहीं भाई पाकिस्तान को घोड़ी बनाया गया है पूरी मूवी में, और फिर भी ये हिट नहीं करके गई। मतलब लोगों को पॉजिटिव व्यू पॉजिटिव आए हैं, लोगों को हिट करके गई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भाई पिटते नजर आ रही है। तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे कि भाई व्हाई फाइटर मूवीज फ्लॉप, या फिर फाइटर मूवी को इतना ज्यादा भाव क्यों नहीं मिल रहा है, सभी चीजों पर एक एक करके नजर मारेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। 2023 में यानी पिछले साल हमने बहुत पैट्रियोटिज्म एंड पाकिस्तान को घोड़ी बनाने वाला मोमेंट देख रखा है। दैट्स वाई कि यार ये कहीं ना कहीं हिट नहीं करके गया इस टाइम पर, जो पब्लिक एंड हाई क्रिटिक्स का मानना है, जो भाई बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के एक्सपर्ट्स हैं, कि बॉक्स ऑफिस में ये क्यों नहीं हिट करके पाए, क्योंकि दिलों में हिट करके गई है, लोगों को पसंद आई है, लोग इसकी इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी वेट कर रहे हैं, लेकिन थिएटर हाउस पर क्यों नहीं गए, तो इस चीज़ के उस बेस पर भाई क्रिटिक्स ने जबरदस्त जवाब दिया है कि 2023 में बहुत से ऐसे पैट्रियोटिज्म की मूवी आई हैं, दैट्स वाई कि उतना हिट नहीं करके गई हैं। लाइक टाइगर में तो पूरा दामाद ही बना दिया पाकिस्तान को, है ना, और गदर 2 में भाई कुत्ता बनाया है पाकिस्तान को, देन पठान में भी वही सब सब चीज़ सब कुछ होते नजर आए, दैट्स वाई कि ये उतना क्लिक करके नहीं गई। सेकंड की भाई एक्शन का ओवरडोज, 2023 में फुल ईयर हमने एक्शन ही एक्शन देखा है, शुरुआत करें पठान, जवान, लियो, टाइगर 3, देन गदर, गदर में तो बेतुका एक्शन यार वो की, देन उसके बाद भाई साल खत्म होते होते सलार, तो एक्शन का ओवरडोज था, दैट्स वाई कि यहाँ पर भी उतना हिट नहीं करके गई है। कहानी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि ट्रेलर जब आया था ट्रेलर से बहुत पता लग रहा था कि कहानी आखिर होने क्या वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाया भाई, मूवी में उससे ज़्यादा है, लेकिन की पॉइंट्स ऐसे दिखा दिए कि कहानी प्रिडिक्टेबल हो ही जाती है। चौथा यार ये पैट्रियोटिक मूवी में जो ये लव एंगल एंड केमिस्ट्री डाल देते हैं, बोल्ड सीन वगैरह, तो ये भी कहीं ना कहीं मूवी को फ्लॉप होने के लिए कारण हो सकता है, क्योंकि भाई हमने ऐसी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज देखी जहां पर पैट्रियोटिज्म या फिर जो ऐसे सिंगल कंटेंट पर या फिर सिंगल एक रियल इंसिडेंट पर कहानी दिखाई जाती तो उसी पर फोकस किया जाता है, ना कोई इसमें कोई लव एंगल वगैरह डाला जाता है। तो सब ये सारे कारण हो सकते हैं कि मूवी को इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, पहले 4 दिन में मूवी ने जो ताबड़तोड़ कमाई करी भाई, 120 करोड़ पहले 4 दिन में ही ये मूवी कवर अप कर चुकी थी सिर्फ नेट इंडिया से, तो ऐसा लग रहा था कि 1000 करोड़ ठोक जाएगी, लेकिन जैसे ही मंडे स्टार्ट हुआ Day 5 पर भाई मूवी को औकात पता चल गई, क्योंकि डबल डिजिट से नीचे कलेक्शन आते दिखाए भाई, 70-75% की ग्रोथ सीधे डाउन चली गई है मंडे वर्किंग डे से ही, और अभी कल Day 9 तक का बताऊंगा तो सेम रहा है, लेकिन कल Day 9 तक नेट इंडिया से भाई ये मूवी पहले 9 दिन में 151.85 करोड़ कर चुकी है, मतलब सिर्फ 4-5 दिन में ये मूवी 30-32 करोड़ ही कमाते नजर आई है, और पहले 4 दिन में 120 करोड़, तो आप समझ सकते हो कि मूवी की ग्रोथ कितनी ज़्यादा पिट चुकी है, पूरी दुनिया से 256 करोड़ के आसपास ये मूवी पहुंच चुकी है, तो 300 करोड़ भी ये कवर अप कर पाएगी नहीं कर पाएगी भाई लग नहीं रहा है, क्योंकि मूवी का बजट 250 करोड़ है, दैट्स वाई कि मूवी को भाई साहब फ्लॉप की कैटेगरी में एक बार के लिए रखा जा रहा है, एवरेजली हिट कह सकते हैं, फ्लॉप भी नहीं कहेंगे, एवरेजली हिट कह सकते हैं। तो मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।